फैमिलीज हैं उनको राशन कार्ड्स या जिसे कहना चाहिए कि यूटिलिटी कार्ड जो है वो दिए जाएंगे, तो इस नई स्कीम को आप किस तरह से देखेंगे, हुकूमत की इस पैकेज को, फिर जिस तरह से इसको इन्वेस्ट किया जाएगा या इस जिस तरह से इसको कहना चाहिए कि स्पेंड किया जाएगा, उसमें 50,000 नई परचून की दुकानें खोली जाएंगी जिसके लिए दुकानदारों को भी 5 लाख का कर्ज जो है वो दिया जाएगा। ये डू यू थिंक कि महंगाई जैसे चैलेंज का मुंह बंद करने के लिए ये मेजर्स जो है ये काफी होंगे? हरगिज नहीं। देखिए, आप सिर्फ अगर अलामत यानी सिम्टम का इलाज डॉक्टर करें, इकरामुल हक साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है। जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी मैं अर्ज कर रहा था कि देखिए, अगर आप हमारी सिर्फ कनेक्टिविटी में इशू लग रहा है, हम यहाँ पर नवेद चौधरी साहब आपकी जानिब आ जाते हैं, यही सवाल हम आपके सामने रखते हैं। जी डॉक्टर इकरामुल साहब, आपको हमारी आवाज आ रही है? जी जी मैं सुन पा रहा हूँ। जी बिल्कुल जी, आपने जी अगर हमारा सवाल मैं सुन अर्ज कर लिया रहा हो था। तो आप एड्रेस कर दीजिएगा। ये जो नया 15 बिलियन रुपीज का पैकेज है टू कंट्रोल इन्फ्लेशन, महंगाई में कमी के लिए जो इकदामात का फैसला किया गया है, हाउ डू यू सी दिस? मेरा ख्याल है कि कॉस्मेटिक चेंजेस करने से या सिम्टम्स का इलाज करने से जो मर्ज की असल तशखीस है और जो उसकी वजूहात दूर करना है उसकी तरफ अभी तक कोई तवज्जो नहीं है। आपने देखा होगा कि इस महंगाई के पीछे जो बहुत से हमें फैक्टर्स नज़र आते हैं, उसमें एक बहुत बड़ा जो फैक्टर है वो ये है कि हुकूमत खुद जो है चीज़ों की कॉस्ट को बढ़ा रही थी। यानी जब आपने देखा कि दुनिया में तेल की कीमतें गिरी और इन्होंने अपने टैक्सेस की शरह जो है वो कम नहीं की, और जबकि ये इल्ज़ाम पिछली हुकूमत पे रहता था कि वो तेल की कीमतें उन 5 सालों में कम होने के बावजूद जो GST था वो 30-40 और बाज़ दफ़ा तो हाई डीजल के ऊपर 50% तक भी गया।